सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले कर्मठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का परिचय कराती हूँ। 11 फरवरी को इनकी पुण्य तिथि है। महानता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जाए और महान बना दिया जाए। जितने भी महापुरुष हुए हैं वह सभी सरलता से महान नहीं हुए, अपितु उन्हें जीवन में अपने जीवन को जिंदगी की भट्टी में झोंक दिया तब वह महान व्यक्ति कहलाए। इन्हीं महान पुरुषों की श्रृंखला में एक महान पुरुष थे जिनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था। पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 को राजस्थान के धनकिया गांव में हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय जी जो कि मथुरा जिले के फराह नामक गांव में रहते थे, वह मथुरा में स्टेशन मास्टर थे। पंडित जी की माता का नाम श्रीमती राम प्यारी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। समय का पहला क्रूर प्रहार इन्हें तब झेलना पड़ा जब पंडित जी की आयु मात्र 2.5 वर्ष थी। इनके पिता की मृत्यु हो गई तब इनकी माता पंडित जी को लेकर अपने पिता के घर आ गई। वहीं पर पंडित जी का लालन पालन हुआ। अतः दीनदयाल पर एक और वज्रघात हुआ। 8 अगस्त 1924 को उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उस समय पंडित जी 8 वर्ष के थे, जिसके पश्चात पंडित जी के मामा जी का पालन पोषण करने लगे और अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। उस समय धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ख्याति प्राप्त करता जा रहा था, जिसके माध्यम से वह काफी लोकप्रिय हो गए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार में पंडित जी को पकड़ने की योजना बनाई गई थी, किंतु अंत में स्वयं को उन्होंने पकड़वा दिया। यह देख करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया। इस प्रकार पंडित दीनदयाल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे। वह सादा जीवन उच्च विचार रखते थे, व्यवहार में सरलता के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजन्मा ब्रह्मचारी रहे। पंडित जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर में रहस्यमय मृत्यु के पश्चात 1967 में जनसंघ के 14वें अधिवेशन के अवसर पर पंडित जी को अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जी के नेतृत्व में संघ एक नई चेतना के संग आगे आगे बढ़ने लगा। मुखर और सच्चे राष्ट्रभक्त की लखनऊ से पटना जाते हुए रात के अंधेरे में चलती रेलगाड़ी में 11 फरवरी 1968 को क्रूरतापूर्वक निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या कर दी और उनका शव मुगल सराय रेलवे स्टेशन के निकट पाया गया। यह समाचार सुनकर के भारत का जनमानस हिल गया और भारत शोक सागर में डूब गया। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आरजेएस परिवार के मुख्य अतिथियों और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों तथा अपनी ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आप सभी को राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली के राष्ट्रीय मंच की ओर से रफी अहमद किदवई के प्रेरक जीवन से परिचय करवाने जा रही हूँ। रफी अहमद एक राजनेता, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता तथा एक समाजवादी थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 में बाराबंकी जिले में मसौली गांव में हुआ था। रफी को अपने चाचा विलायत अली राजनीतिक
रूप से सक्रिय वकील और गांव के स्कूल की एक शिक्षक से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अलीगढ़ से रफी जी ने 1918 में बीए के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। 1920-21 में असहयोग आंदोलन में आए और जेल भी गए। इसी के साथ रफी अहमद ने राजनीति में प्रवेश किया। 1926 के चुनाव में विधानसभा के लिए स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद रफी अहमद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक पद संभाला। किदवई भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक प्रमुख सहयोगी थे। 1947 में भारत को ब्रिटिश राज्य से आजादी मिलने के बाद किदवई भारत के संचार के पहले मंत्री बने। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद किदवई बहराइच से चुने गए थे। देश में खाद्य राशन होने पर नेहरू जी ने खाद्य और कृषि के पोर्टफोलियो के साथ किदवई जी को सौंपा। इनके सम्मान में 1956 में कृषि क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं को पहचानने के लिए रफी अहमद पुरस्कार 1956 में बनाया गया। यह पुरस्कार हर दूसरे वर्ष वितरित किया जाता है, जिससे पदक और नगद राशि होती है। भारत के एक संसद के समिति कक्ष में किदवई जी का एक चित्र भी लगाया गया है। कोलकाता में एक प्रमुख सड़क का नाम रफी अहमद के नाम पर रखा गया है। राजस्थान के मकराना में शफी अहमद के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम भी है। इस महान राजनीतिक नेता की मृत्यु 24 अक्टूबर 1954 को 60 वर्ष की उम्र में हो गई। उन्हें गृहनगर में एक मस्जिद में पूर्ण राज्य सम्मान के साथ दफनाया गया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप आरजेएस परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनेता कर्पूरी ठाकुर के जीवन से परिचय करवाती। उनकी पुण्यतिथि 17 फरवरी को है। मैं उनको नमन करती हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के एक गांव तौजिया में हुआ था। पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी थी। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के बाद आपको जनमानस जननायक कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने में जेल बिताए। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता का चुनाव जीता और राज्य के 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। लोक नायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव मधुलिमय जैसे इनके दिग्गज साथी थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह बिहार का विधानसभा कभी नहीं हारे। इनकी ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार में सुनने को मिलते हैं। जब ये देश राज्य के मुख्यमंत्री थे तो रिश्ते में उनके बहनोई नौकरी के लिए ठाकुर जी के पास गए। उनकी बात सुनकर के ठाकुर जी गंभीर हो गए। उसके बाद अपने जेब से 50 रुपया निकाल कर दिया और कहा, उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुस्तैनी धंधा शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी ने कभी भी किसी से बैर भाव नहीं किया। वह सच्चे समाजवादी थे। 80 के दशक की बात में बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। अपने ही दल के लिए थोड़ी देर के लिए अपने जीप
दे दो एक नोट लिख करके विधायक के पास भेजा। थोड़ी देर के लिए लंच पर आवास पर जाना है, लंच के लिए आवास पर जाना है। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। ऐसे में दो बार बने मुख्यमंत्री के पास कार नहीं था। यह संयोग ही था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम ठाकुर जी का जीवन हमेशा बेदाग रहा। वह हमेशा रिक्शे से ही चला करते थे। तब समाजवादी आंदोलन के कपूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी नेता के लिए जाना जाता था। इससे महान समाजवादी नेता का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आरजेएस परिवार के मुख्य अतिथियों और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों की तथा मैं रेणु श्रीवास्तव अपनी ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोरा जी के जीवन के बारे में रोचक जानकारी दूंगी। जगजीत सिंह अरोरा जी का जन्म 13 फरवरी 1916 में कला गुजरन झेलम जिला में हुआ था, जो कि अब वह पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय सेना के 3 सितारा जनरल थे, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने साबित कर दिया था कि कठिन लक्ष्य को सूझबूझ और हिम्मत से कैसे हासिल किया जा सकता है। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण भारत के कब्जे में पाकिस्तान की 5,139 वर्ग मील भूमि का आना, पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदी, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। उसके बाद ही विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभरा था, जिसका नाम बांग्लादेश है। 1962 में चीन का हमला हो या 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, जनरल अरोरा ने हर जंग में अपूर्ण रण कौशल दिखाया। इनके जीवन से संबंधित एक कथा प्रचलित हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना के चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बनाया हुआ भारत ने आकाश मार्ग से अपने छाताधारी सैनिकों को ढाका में उतारा, तो पाकिस्तानी सेना सत्ते में आ गई। 13 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल यहिया खाया कहने पर मजबूर हो गए कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन बाद में शिमला समझौता में जब कागजी कार्रवाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत का जीता हुआ क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दिया, तो जनरल अरोरा का मन तीस से भर गया और उनके शब्दों में पीड़ा साफ झलकती थी। हमारे राजनेताओं ने हमारी जीत पर पानी फेर दिया। हमने जो कुछ युद्ध में प्राप्त किया था उसे शिमला समझौते में वापस कर दिया। हंसमुख जिंदा दिल स्वभाव के जनरल अरोरा 1986 में अकाली दल के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य बने। एक सांसद के रूप में उन्होंने गरिमापूर्ण भूमिका निभाई। 1997 में पत्नी भागवत कौर का देहांत होने के बाद वह एकाकी हो गए, जिसके चलते इस देश के महासपूत 3 मई 1905 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली। देश के इतिहास में अपूर्णीय क्षति। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।